कृष्ण मुरारी मोगे ने जिला प्रशासन को सुझाव देते हुए कहा कि शहर के प्रमुख मंदिरों को धीरे धीरे खोला जाना चाहिए, साथ ही पोहे और चाय की दुकानों का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक होना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोगे ने आज जिला प्रशासन को कुछ सुझाव देते हुए कहा कि शहर में चाय नाश्ते की दुकानों का समय सुबह 6 से 10 बजे के बजाय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि यही समय लोगों के चाय नाश्ते का होता है। वहीं श्री मोगे ने जिला प्रशासन को सुझाव दिया कि शहर के प्रमुख मंदिरों को अब धीरे धीरे खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में कुछ मंदिरों का प्रयोग के तौर पर खोला जाना चाहिए और अगर इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं तो आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं श्री मोगे ने पुलिस द्वारा चौराहे चौराहे पर की जा रही चेकिंग को बंद करने के भी सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल से लोग वैसे काफ़ी परेशान हैं, इस तरह की कार्रवाई से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। बेहतर हो कि पहले लोगों को पुलिस द्वारा जागरूक किया जाना चाहिए, उसके बाद भी अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क नहीं लगाते हैं तभी कार्रवाई की जाना चाहिए। जो समय 6 से 10 बजे का दिया तो वास्तव में 6 बजे तो कोई नाश्ता करने आता नहीं और उनका काम धंधा 8 बजे से प्रारंभ होता है, और इसलिए इसमें मैं ऐसा चाहूँगा कि ये 7 बजे से लेकर 12 बजे तक उनको छूटने से दी जाना चाहिए, क्योंकि हमको जनता की मानसिकता परेशानी प्रशासन को समझ के चलना चाहिए। 3 महीने का कार्यकाल ऐसा रहा कि हरेक का सारा काम धंधा ठप रहा, और आज उनका काम धंधा चले तो अर्निंग होगी, 4 पैसे कमाएंगे तो निश्चित रूप से मानसिकता भी बदलेगी, और अगर काम धंधे नहीं चले तो आगे इसमें से लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति निर्माण होगी, और इसलिए वो ठीक ढंग से व्यवसाय कर सके। तो ये इसका समय 7 से 12 बजे तक अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से उन लोगों के व्यवसाय में उसका फर्क पड़ेगा और लोगों को भी सुविधा उपलब्ध होगी।